आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। शायद तो कोई एग्ज़ाम है, और ये हमारे पास में चल रही है ब्लू लाइन्स की रोडवेज बस, और भीड़ देखो आप, हद से ज़्यादा भीड़ है, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दे रखा है। क्या बताऊँ मैं यार, इतनी ज़्यादा, कल भी थी ये, कल भी मैं आया था और आज भी है। यहाँ पे तो भाई हेलमेट में अब तो फोग इकट्ठा होनी चालू हो गई है, मतलब हेलमेट तो मेरा वाइज़र जो है वो तो एंटी फोग वाइज़र है, बट मेरे चश्मा पे आ रही है। ओके, ये बंद कर रखा है यहाँ से। अब हमको आगे रेलवे स्टेशन के यहाँ से पूरा घूम के आना पड़ेगा। चलो मैं आपको रेलवे स्टेशन तक का रास्ता बता देता हूँ। मुझे नहीं पता था आज एग्ज़ाम है, बाकी मैं निकलता ही नहीं, कुछ पता भी नहीं था ना क्या करें, किधर से चले, पीछे से चले कि आगे से चले, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वैसे खाली खाली दिख रहा है मुझे तो, अब पता नहीं खाली है कि नहीं है। वो रहे हमारे पानी बतासे वाले भैया, जिनके यहाँ से पानी बतासे मैं खाता हूँ, एंड थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए, मैं तो निकल जाऊँगा। भाई देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। आरजे 30 बहुत दूर दूर से एग्जाम की वजह से। सर जी इतना फेयरलेसली जा रहे हो आप तो, जिसकी कोई हद ही नहीं है। चलो इधर जाम लगा हुआ है, ये रास्ता खाली है, अच्छी बात है खाली है तो, क्योंकि अपन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, बाकी तो निकल कैसे पाते। ओके, सब जगह पुलिस वाले खड़े, अच्छी बात है। बट यार मैं सच बताता हूँ, उदयपुर में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, उदयपुर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे भी देखोगे हमेशा से अच्छा ही है। बट बात यहाँ जाती है जो रोड सिस्टम है ना, मतलब वो इतना सही नहीं है यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, बोलना तो नहीं चाहिए बट हाँ यार, मुझे रोड सिस्टम में हमेशा लगता है जैसे कि कुछ कमियाँ हैं, बाकी क्या बताऊँ। तो अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर होके जाएंगे, क्योंकि अंदर से जाएंगे कोई सेंस तो है नहीं। जाम तो नहीं है ना भाई। द ट्रैवल हाउस, सात हर सफर, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस वाले बंदे अभी ट्रैफिक को सही कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा उजाला हुआ ना क्योंकि ये कल्याण के बाहर है, कल्याण के बाहर उजाला ही उजाला है भाई। और ये देखो अलग ही कुछ तिकड़म लगाई है, पता नहीं क्या किया है, ये पूरा ट्रैफिक इधर मोड़ दिया है। और कारों के आने की जगह देखना, सिंगल कार आ सकती है, वो भी बहुत मुश्किल से, ऐसा भी नहीं कि आराम से आ जाएगी, बहुत मुश्किल से कार आएगी सिंगल वाली भी। और फिर इधर से कर दिया है रास्ता जाने के लिए, चलो अच्छी बात है, जाने के लिए कर दिया है। हमको तो कोई मतलब नहीं रास्तों से भाई, हमें भीड़ नहीं मिलनी चाहिए। और ये टेम्परेरी कुछ बना रखा है इन्होंने डिवाइडर, अभी पहुंच जाएंगे अपन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को, अगर आगे जाम नहीं है तो। वैसे एग्जाम की वजह से बहुत सारे बच्चे आए होंगे जो FS जा रहे होंगे, आई डोंट नो वहाँ पे भीड़ है कि नहीं, होपफुली ना हो तो अच्छा है। बट अगर आप कभी उदयपुर में आते हो तो मस्ट विजिट है, तीन जगह जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, एक तो घनघोर घाट जरूर जाना, वो भी अच्छी जगह है, अमराई घाट भी जाना, दोनों आमने सामने ही है, और एक फतेह सागर, जिनमें कौन से गेयर पहनना है। इन फ्यूचर लाएंगे मस्त आराम से बड़ी बड़ी राइड्स पर, लंबी लंबी राइड्स पर जाएंगे तब, अभी तो कोई है नहीं सेम लंबी लंबी राइडों, तो घर वाले देते नहीं है भाई इजाज़त, तो कैसे जाएंगे अपन। तो ऐसे हैं लोग, ब्रेक छोड़ते हैं गाड़ी पीछे आ जाती है, पीछे वाले को देख, ओ भाई यहाँ पे भी जाम लग रहा है। तो अपन अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं,
ये रही अपनी मंजिल फतेह सागर, और ये हम पहुंच गए फतेह सागर। हो, तो सर्दियों की रातें हैं और मौसम देख लो, मौसम और रात हो रही है, मौसम तो क्या देखोगे, पर बड़ा प्यारा सा माहौल होता है यहाँ पे, एकदम शांति भरा। कोई अच्छे से गाने चलाओ, आराम से बैठ जाओ। इधर पेंटिंग्स बन गई G20 की वजह से, नहीं, बाकी पहले नहीं थी। तो इसको है ना, मतलब टू वे है, पर बाइकें इधर से आ सकती है, बाइकें मतलब दोनों तरफ जा सकती है, बट कारों को ये पीछे की तरफ से आना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी कर रखा है। कारें इधर से नहीं आ सकती, कारें इधर से जा सकती है। देखो यहाँ पे बैरिकेड वेरिकेड लगा रखे हैं ताकि कारें ना जाए, और ये घोड़ा गाड़ी खड़ी अगर आपको बैठना है तो, और मेरी मानो तो मत बैठना यार, बेचारे जानवरों पे जुल्म है एक तरह से। मतलब ठीक है यार, मतलब कुछ मालिक ही होते हैं जो अच्छे से रखते हैं अपने जानवरों को, बाकी कोई नहीं रखता है। थोड़ा आगे चलते हैं यार, कुछ धीरे चला रहे हैं। इस घोड़े को क्या हो गया? इसके पैर में लगी आई थिंक, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। ये वेन्यू वाले भैया उल्टी गंगा गाड़ी लेके जा रहे हैं, उल्टी गंगा बाहर है, वापिस टर्न लेके जाना पड़ेगा शायद तक, अगर तो पुलिस वाला देख ले तो। बहुत ज्यादा घोड़े हैं यार आज यहाँ पे, पता नहीं। अभी बोटिंग बंद हो गई है, अगर आप तो सोच रहे हो कि बोटिंग करोगे आके, तो बोटिंग अभी बंद है, सोलर बोट्स आएगी उसके बाद चालू होगी। यहाँ पे सोलर बोट्स आएगी, अब के बाद सब चालू होगा। ओ भाई क्राउड तो देखो, अब मेला लग रहा है यहाँ पर। इस बंदे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है सारी की सारी, पीछे नहीं जा रहा आज, मतलब रॉन्ग साइड जा रहा है। ये रॉन्ग साइड जा ही क्यों रहा है, समझ ही नहीं आ रही है बंदे को। ये देखो, ये दोनों शीशों पे बैठे हैं, किधर है, क्या मामला है इसका, करके दिखा दो। बाहुबली क्या, एक उंगली से कर रहा है। ये देखो वो वहां से गिरा था, अब ये गिरेगा इसकी वजह से। इसको पता नहीं कौन सा नशा, ये नशे में रहता बंदा, इसको कौन सा भांग मिला हुआ पता नहीं हमें इस बंदे का। तो यहाँ के ये फूड वाले सारे, यहाँ से आके आप कुछ भी खा सकते हो, हमें मत पूछो क्योंकि हमने ज़्यादातर विनोद से खाया है और इसे खाया है, अच्छा ही है इनका। हाँ ये देखो दिखा, उसमें भी यही फोटोग्राफी चल रही थी, यहाँ पे फोटोग्राफी चलेगी। और ये अपना दोस्त रूट के इतना दूर बैठा हुआ है, इसका कुछ नहीं कर सकते, रूट गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये आज ही रोड पे जाके फोटो खिंचा रहा है, देख लो लाइन से उधर खड़ा है, इसका चालान बनाना पड़ेगा। अच्छा सबको देख लिया, मुझे तो हमने देखा ही नहीं, मैंने दिखा ही नहीं मुझे शक्कर। अपन आ गए यहाँ पे एड्रेस पर, और पीछे कुछ ऐसा माहौल हो रहा है, क्या तो नीचे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ऐसा कुछ माहौल है नाइट में। वो सारी बोटिंग वाली है, वो सब बंद हो गई अभी फिलहाल, तो बिना बाइक वाले बाइकर शकल इतनी सीखी है, इतना बड़ा हेलमेट वाइट पे लेके तो भी नहीं आएगा चेहरा तो। गाड़ी का है तुम्हारी है मुन्ने, ज्यादा ज्यादा पेपर नेपकिन मिल गया इसको, ये भी दिक्कत है। गार्लिक ब्रेड का लो। With the